आज हम सर्दियों की स्पेशल इम्यूनिटी बूस्ट बूस्टर लड्डू बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये देखिए ये गोंद लिया हुआ है, और ये दही मखाना है, ये नारियल है, और ये गुड़ है, और ये पिस्ता है, बादाम है, ये काजू है, जो कि मतलब वेट मेंटेन करने में भी सहयोग करता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। जो सुबह अगर बच्चों को 1 गिलास दूध के साथ अगर हम देते हैं एक लड्डू, तो दिन भर की थकावट वगैरह भी दूर रहती है। तो चलिए हम इस रेसिपी को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को ले लेते हैं। कढ़ाई को गरम कर रहे हैं गैस पे रख के, और उसमें हमने 3 से 4 चम्मच घी रख रख दिया है। घी गरम हो गया है तो सबसे पहले इसमें ये गोंद हम डालेंगे। इनको अच्छे से भून लेंगे, इनको अच्छे से भूनेंगे, नहीं तो ये क्या होता है कि अंदर से जब पकता नहीं है तो चिपचिपा रहता है, दांतों में चिपचिपा महसूस हो रहा है, तो इसी वजह से इनको धीमी आंच पे अच्छे से इनको सेक लेंगे। देखिए ये सीख गए हैं अच्छे से। अब इनको एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी में हम पहले ये बादाम डाल देते हैं और काजू भी डाल देते हैं। इनको 1 से 2 मिनट धीमे आंच पे रोस्ट कर लेंगे। में पिस्ता भी डाल देते हैं। हल्का रोस्ट हो गया है, बहुत डार्क कलर नहीं करेंगे। अब इनको भी निकाल लेते हैं। अब इसी में मखाने को भी डाल के रोस्ट कर लेंगे। ये भी जल्दी से ही हो जाते हैं, बहुत इनका भी डार्क नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ये क्रंची हो गया। मखाने भी रोस्ट हो गए हैं, मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही इनको लगता है। इनको भी निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में नारियल का ये जो हमने कद्दूकस करके रखा था, इनको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। इनको बहुत ज्यादा नहीं करना है, इनको भी बस थोड़ा सा हल्की सी इनका मॉइस्चर जो है थोड़ा सा उड़ जाए। नारियल भी हमने सेक लिया है, अब गैस ऑफ कर देते हैं। चलिए इनको खाली कर देते हैं। अब इन सूखे मेवों को बाइंडिंग करने के लिए हमको ये गुड़ का हम पाक बना लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गया है और गुड़ को डाल देते हैं, और इसमें बहुत आधा कप से कमी पानी इसमें डालेंगे। इनको धीमी आंच पे छोड़ते हैं तब तक जो गोंद हम निकाले थे, चलिए उनको थोड़ा सा हम किसी चीज से उनको महीन कर लेते हैं। तो हमने इस तरह का छोटा वाला ये खन्नी लिया है, और इसी समय इसको ऐसे ऐसे दबा दबा के इनको हम ऐसे इनका चूरा बना लेंगे। बहुत आराम से बन जाते हैं। देखिए कितने अच्छे से इनका चूरा बन गया है। चलिए और मखाने को हम मिक्सर जार में उनको पीस लेते हैं। गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, तब तक हम मखाना भी जार में डाल के इनको भी हल्का सा दरदरा पीस लेते हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो नारियल है इसको भी इसी में डाल करके हल्का सा इनका चूरा बना सकते हैं, नहीं तो इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखिए चूरा हमारा तैयार हो गया है मखाने का।
अब ये जो हमारे बादाम काजू हैं और पिस्ता, तो इनको या तो आप मिक्सर जार में दरदरा मतलब पीस लें, या तो चक्कू की सहायता से इनको कट लगा दें। और ये जो बादाम है उसको कट ऐसे लगाना है, ऐसे ऐसे वाला। तो चलिए लगा लेते हैं इनका कट। गुड़ भी हमारा मेल्ट हो रहा है। 5 से 6 मिनट में ये गुड़ वाला जो होता है उत्पाद तैयार हो जाता है। गुड़ पाग हमारा बन के रेडी हो गया है, गुड़ का जो पाग है। तो इनको हमने चेक भी कर लिया है। तो इनका क्या होता है कि ये जो चूरा है ना, उसी पे 2 बूंद ऐसे हम करके देखेंगे। और ये अभी काफी गर्म है तो हम नहीं अभी दिखा पा रहे हैं। अब क्या होता है ना कि जो ये चूरा है उसी में ऐसे करके हम ऐसे गोल करके देख लेंगे। अगर ये देखिए ये गोल गोल बाइंडिंग हो रहा है तो बिखरेगा नहीं ये, तो इसका मतलब पाग हमारा तैयार हो गया है। देखिए ये गोल बिल्कुल हो गया है देखिए। तो चलिए फटाफट से अब इनको तैयार कर लेते हैं। सभी चीजों को एक ही में डाल करके हम जल्दी जल्दी इनको मिलाएंगे। इनको जल्दी जल्दी मिलाएंगे, बिल्कुल एकदम ठंडा नहीं करेंगे। और इसी में बाकी की भी चीजें भी डाल देंगे। इनको जल्दी जल्दी मिलाएंगे, नहीं तो ठंडा होने के बाद आपका लड्डू नहीं बन पाएगा। दोनों हाथों से हमने इसको मसल लिया है और फटाफट से अब इनके जल्दी जल्दी हम इनके लड्डू तैयार करेंगे। छोटे छोटे ही लड्डू इनके बनाएंगे हम। बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है। इसी तरह से बाकी लड्डुओं को भी तैयार कर लेते हैं। देखिए तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे लड्डुओं को हमने बना लिया है। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।